जी बच्चों, हमने स्पेस के हवाले से खिलाई तहकीक, इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेस, खिलाई तहकीक हमारी साइंस का लास्ट चैप्टर है, हम उसको रिकैपिटुलेट कर रहे हैं। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि व्हाट इज स्पेस, व्हाट इज स्पेस, खला क्या है। देखिए बच्चे, ये जमीन है, इस जमीन के ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर, क्या है? एटमॉस्फेयर। आपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर हवा का एक गलाफ है जिसमें पूरी ग्लोब को, यानी हमारी जमीन को घेरा हुआ है, ऐसे ही है ना। एटमॉस्फेयर क्या है कि अगर हमारी जमीन यूं गोल है, इलेक्ट्रिकल है, इसके अंदर हवा का एक गलाफ है, उसके अंदर क्या है, एयर का, गैसेस का एक गलाफ है, और ये गलाफ जो है ये राउंड अबाउट 700 किलोमीटर तक बुलंद है। इसकी मोटाई कितनी है? 700 किलोमीटर। कितनी मोटाई है? 700 बेटा। ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसमें गैसेस है, इसमें क्या है, गैसेस, मुख्तलिफ टाइप्स की गैसेस है। इसके अंदर 78% तक नाइट्रोजन है, 21% तक ऑक्सीजन है, और इसके अंदर लेस देन 1% दीगर गैसेस है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ये गैसें मौजूद है। ये जो हवा का गलाफ है जो तकरीबन 701,000 किलोमीटर तक मोटा है, इस पार्ट को कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। इससे ऊपर जो बुलंदी है, इससे ज्यादा जो बुलंदी है कायनात में नामहदूद फासलों तक, कायनात में नामहदूद फासलों तक, वो जगह बिल्कुल खाली है। वो जगह क्या है? इससे ऊपर गैसेस नहीं है, इससे ऊपर गैसेस हो सकता है किसी और प्लेनेट पे, किसी और जो है ना प्लेनेट के ऊपर गैसेस हो कुछ हो, लेकिन हमारे गैलेक्सी, हमारे स्टार के, हमारे प्लेनेट के बाद, प्लेनेट अर्थ के बाद, एटमॉस्फेयर के बाद जगह खाली है, 100 बिलियन ऑफ किलोमीटर तक खाली है। बाकी और दूसरे दीगर जो हैं प्लैनेट्स हैं वो भी रिवॉल्व कर रहे हैं जमीन के अंदर। इसके अलावा जो ये एटमॉस्फेयर से ऊपर जितनी भी जगह है हम उस सबको स्पेस कहते हैं। सबको क्या कहते हैं? स्पेस। अर्थ को हम लिथोस्फेयर कहते हैं, और जो इसके अंदर हवा का गलाफ है इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस, एटमॉस्फेयर के बाहर ये जितने भी स्टार्स, गैलेक्सीज ये हमें नजर आती हैं, या बाकी प्लैनेट्स नजर आते हैं, ये सारे स्पेस में हैं। हत्ता कि चांद भी स्पेस में, हत्ता कि चांद भी किसमें है, वो भी इस पूरा हवाई से बाहर है, पूरा हवाई से बाहर है। ये पूरा अर्थ है, जमीन के दायरे को क्या कहते हैं? ग्लोब। क्या कहते हैं? ग्लोब, या इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, ठीक है। और ये जो गोला है हवा का, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से बाहर जितनी भी जगह है उसको स्पेस कहा जाता है। स्पेस का मतलब ही खाली जगह है। जैसे बच्चे ने बताया था ना कि कंप्यूटर की एक की होती है स्पेस, कंप्यूटर की एक की होती है ना स्पेस, स्पेस का मतलब होता है गैप, खाली जगह, यही होता है ना। तो देखो बेटा, ये कंप्यूटर का स्पेस नहीं मैंने पूछा, ये मैंने पूछा था खलाई स्पेस, आसमानी स्पेस, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही है? ये आपने इनको याद रखना है, और अगर ये कल टर्मिनोलॉजीज में आपसे पूछूं तो आपको इन चीजों का पता होगा। अगर आप इन चीजों का पता होगा तो तब हम अगले चैप्टर पे जाएंगे, क्योंकि बाकी तमाम कॉन्सेप्ट्स इन्हीं टर्मिनोलॉजीज पे बेस करते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि स्पेस क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, तो आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे आप अपने दोस्तों को पहचानते हैं ना उनकी शक्लों से, उनकी क्वालिटी से, पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? तो बेटा, जब तक हम इलम के भी, जब तक जो पार्ट है, ये लिथोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर, ये जितनी भी स्पेयर है, अगर इनको नहीं जानेंगे तो आगे इलम कैसे चलेंगे? ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, अगर ये चैप्टर आगे नहीं जाएगा आप मजीद, क्योंकि इलम और अकल चलती ही जीना बजीना है, स्टेप बाई स्टेप है, हर कदम पहले कदम के ऊपर होगा। जब तक नीचे वाले कदम ही मजबूत नहीं होंगे तो आप बुलंदी पे जाएंगे तो आपकी बुलंदी खतरनाक है, आजी है। बात समझ आ रही है? तो इलम तो एक विजडम है, एक शऊर है। अगर आपका बेसिक शऊर ही नहीं है तो आप उसके ऊपर बड़ी बिल्डिंग कैसे कामयाब कर सकते हैं, बड़ा शऊर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? नहीं हो सकता। आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी को जरूर आना चाहिए, ठीक है। लिथोस्फीयर जमीन को कहते हैं, एटमॉस्फेयर हवा के गलाफ को कहते हैं, इसके बाद तमाम खाली जगह को, इसके ऊपर जो कुछ भी है उस सबको हम स्पेस कहते हैं। समझ आ गई है? और स्पेस लामहदूद है, बहुत बड़ी है, खैर लामहदूद तो नहीं है, महदूद है, फिर भी अगर हम अल्लाह के हवाले से काउंट करें तो ये महदूद है, हद है इसकी। लेकिन जब हम अपने आप से कंपेयर करते हैं तो हमारे लिए वो लामहदूद है। वैसे उसकी एक बाउंड्री है, लेकिन वो इतनी लंबी चौड़ी बाउंड्री है
आज अब जब हम गैलेक्सी और स्पेस को पढ़ेंगे तो आपको इसका अंदाजा होगा जी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अब हम मैं स्पेस को डिफाइन करने लगा हूं, स्पेस को डिफाइन करने लगा हूं कि एटमॉस्फेयर के बाहर, हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर के बाहर जितनी भी जगह है इस कायनात की, जितनी भी जगह है वो सारी को स्पेस है। एटमॉस्फेयर के बाहर हमारी इस कायनात का जितना भी हिस्सा है उस सारी को स्पेस है। बात समझ आ गई है? उसके अंदर तमाम गैलेक्सीज, तमाम प्लैनेट्स, तमाम मून्स, एवरीथिंग आ जाती है एक्सेप्ट अर्थ और एटमॉस्फेयर के। एटमॉस्फेयर के फौरन बाद स्पेस है, एटमॉस्फेयर के फौरन बाद स्पेस है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने याद रखना है। इसीलिए जो लोग इस एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं उनको स्पेस साइंटिस्ट कहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, और जिन क्राफ्ट के जरिए, जिन गाड़ियों के जरिए, जिन रॉकेट के जरिए लोग जाते हैं उनको स्पेस क्राफ्ट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना है कि स्पेस है, स्पेस हमारी एटमॉस्फेयर के बाहर इस कायनात का जितना भी हिस्सा है उस सारी को हम क्या कहते हैं? स्पेस। ठीक है बच्चों, तो ये है बेटा स्पेस। ठीक है, फिर जब हम स्पेस में देखते हैं, जब हम अपने ग्लोब को स्पेस के लेवल पे देखते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है स्पेस के अंदर, मुख्तलिफ सिस्टम्स है, मुख्तलिफ सिस्टम्स है, और उन सिस्टम्स का जो मरकज है वो स्टार होते हैं। वो क्या होते हैं? द सेंटर ऑफ एनी स्पेस सिस्टम इज स्टार। स्टार उसका बेसिक्स है। जैसे हमारी, अगर हम अपनी इस दुनिया में देखें तो सूरज जो है वो हमारी जमीन का मरकज है। सूरज क्या है? बल्कि हमारे टोटल सोलर सिस्टम का मरकज। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। इस कायनात के अंदर तमाम स्टार के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ है, तमाम सितारों के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ है। जैसे हमारे सूरज के इर्द गिर्द जमीन है, ठीक है, इसके अलावा मुश्तरी है, प्लूटो है, एट डिफरेंट प्लैनेट्स है। ठीक है बेटा, तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो इसका मतलब है कि कायनात के अंदर जो बेसिक चीज है वो स्टार है। वो क्या है? स्टार है। और स्टार के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ डेब्रीज, कुछ ना कुछ जो है वो जर्रात घूम रहे हैं, कुछ टुकड़े घूम रहे हैं चीजों के, गैसों के, मादे के, उनको कहा जाता है प्लैनेट्स। उनको क्या कहते हैं? सितारे। यानी कायनात के अंदर दो तरह की चीजें हैं। स्टार उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो जिनकी रोशनी अपनी होती है, जैसे सूरज की अपनी रोशनी है ना। सूरज चमकता है, वो अपने अंदर ईंधन को जलाता है, हाइड्रोजन ईंधन है। इसका ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब जलती है, ट्रिलियंस ऑफ टन्स ऑफ हाइड्रोजन रोजाना की बुनियाद पे इसमें जलाई जाती है, जिससे इससे हीट और लाइट पैदा होती है। इसीलिए स्टार्स की अपनी लाइट, स्टार्स की अपनी लाइट। और वहां पे न्यूक्लियर धमाके होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जुड़ते हैं हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ते हैं, फ्यूजन होता है, टकराते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मिकदार में तवानाई पैदा होती है और साथ में हीलियम पैदा होती है। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है इस कायनात के अंदर दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। एक वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी लाइट है, जिनकी अपनी लाइट, और दूसरे वो है जिनकी अपनी लाइट कोई नहीं है। जैसे ये हमारी जमीन है, चांद है, इनकी अपनी लाइट नहीं है, बल्कि ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब सूरज की रोशनी में पड़ती है तो चमकते हैं। हमारे चांद की भी अपनी लाइट नहीं है, चांद की भी अपनी लाइट नहीं है, बल्कि रात के अंदर, क्योंकि चांद बहुत बुलंदी पे होता है, उसके पीछे हमारा सूरज होता है हमसे, तो रोशनी हमारे ऊपर से गुजर के चांद से टकराती है, और चांद से टकरा के हम पे आती है, तब हमें चांद रोशन होता है। सूरज चांद खुद नहीं चमकता, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। वो इसी तरह ही है जिस तरह ये लिथोस्फीयर है, हमारी जमीन है, आदो वहां पे आबो हवा नहीं है, लेकिन वो भी गैर चमकदार ऑब्जेक्ट है। समझ आ रही है? मादे का गैर चमकदार ऑब्जेक्ट है वो, जो हमें रात को चमकता हुआ नजर आता है वो सिर्फ और सिर्फ सन की रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से। ठीक है, उसकी अपनी रोशनी नहीं है चांद की, बल्कि वो सूरज की रोशनी लेता है। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा कि स्पेस क्या है? खला, हमारी एटमॉस्फेयर के ऊपर जितनी भी कायनात है उस सब को हम स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे? खला या स्पेस कहेंगे। इस स्पेस के अंदर हमने पढ़ा कि दो तरह के मेजर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। स्टार्स और प्लैनेट्स के इन गुच्छों को सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार सिस्टम कहते हैं। इस कायनात के अंदर कितने स्टार्स हो सकते हैं? एक साइंसदान ने बताया, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे बात की थी, कि इस कायनात के अंदर इतने स्टार्स हैं कि अगर हम पूरी जमीन में से रेत को इकट्ठी करें और एक एक जरे को काउंट करें तो इस कायनात के अंदर उन रेत के जरों से भी ज्यादा स्टार्स हैं, उन रेत के जरों से भी ज्यादा स्टार्स हैं। और बेटा ये जो स्टार्स हैं ये हमारे सूरज से
छोटे भी हैं और सूरज से कई गुना बड़े भी, सूरज से कई गुना बड़े भी हैं। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं कि ये बिलियन ट्रिलियन ऑफ स्टार्स इस कायनात के अंदर मौजूद है, तो इस कायनात की वसत बहुत ज्यादा होगी, इस कायनात की वसत तो बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा है कि हम कायनात को समझ गए हैं कि व्हाट इज स्पेस, स्पेस क्या है, एटमॉस्फेयर से ऊपर जितनी भी कायनात है वो सारी स्पेस है। दो तरह के इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, एक वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी अपनी रोशनी है उनको कहा जाता है स्टार, जिनकी अपनी रोशनी नहीं है उनको क्या कहा जाता है प्लैनेट, सितारे, सितारे और सियारे। फिर सियारों के इर्द गिर्द भी कुछ ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं उनको कहते हैं सैटेलाइट, जैसे चांद, चांद क्या है जमीन की नेचुरल सैटेलाइट है, कुदरती सैटेलाइट है। फिर हम आगे चले, आगे अगर देखें हम आसमान की तरफ देखें तो ये स्टार ऐसे ही बिखरे हुए नहीं है, बल्कि ये स्टार झुरमेट की शक्ल में, गुच्छों की शक्ल में, किसमें है, ग्रुपों की शक्ल में है। अब हमारा सूरज जिन सितारों के गुच्छे का हिस्सा है उसको कहा जाता है कहकशां, लफ्ज सुना है कहकशां, लड़कियों के नाम भी होते हैं कहकशां। बेटा कहकशां को इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी, क्या कहते हैं गैलेक्सी। जैसे मैंने बताया ना कि इस कायनात के अंदर चमकने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टार हैं, ना चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट्स के इर्द-गिर्द भी कुछ ना चमकने वाली सैटेलाइट्स हैं। इसी तरह अगर हम स्टार्स को देखें तो स्टार जो है ये अरबों के गुच्छे, अरबों के झुरमट में इस कायनात में घूमते हैं, इनके क्या है क्लस्टर्स है, स्टार्स के क्लस्टर्स है। मसलन हमारा स्टार ये जो सूरज है ये जिस क्लस्टर का हिस्सा है, सितारों के क्लस्टर का हिस्सा है, उसके अंदर राउंड अबाउट इसके अंदर जो है मिल्की वे गैलेक्सीज के अंदर 100 से 200 अरब स्टार हैं। कितने स्टार हैं? 100 अरब स्टार, यानी हमारे सूरज जैसे, हमारा सूरज जिस सितारों के झुरमट या कहकशां का हिस्सा है, उस कहकशां के अंदर 100 से लेकर 200 अरब, 100 अरब से लेकर 200 अरब, यानी के 100 बिलियन टू 200 बिलियन स्टार हैं। ये जो सितारों का गुच्छा है इसको गैलेक्सी कहते हैं, और जो हमारी सूर्य वाली गैलेक्सी है इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। ये बेटा सितारों का बहुत बड़ा बड़ा झुंड है। आज हम गैलेक्सीज को पढ़ेंगे, तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जब तक आप याद नहीं करेंगे तो आगे बात नहीं चलेगी, इसलिए बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। नंबर वन, व्हाट इज स्पेस? इस कायनात के अंदर एटमोस्फेयर के बाद जितनी भी कायनात है वो सारी को हम स्पेस कहेंगे। एटमॉस्फेयर के बाहर जितनी भी कायनात है उस पूरी कायनात को हम क्या कहेंगे? स्पेस। और उसकी टेक्निक को स्पेस एक्सप्लोरेशन कहेंगे, फिलाई टेक्निक कहेंगे, उसके अंदर जाना, उसके रूप के बारे में इल्म हासिल करना, उसको क्या कहेंगे? उसके बारे में टेक्निक करना, उसको हम क्या कहेंगे? स्पेस या फिलाई टेक्निक, स्पेस इन्वेस्टिगेशन, स्पेस रिसर्च कह सकते हैं, स्पेस इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, और उर्दू में फिलाई टेक्निक कह सकते हैं। और साइंस के वो माहिरीन जो स्पेस के अंदर तहकीक करते हैं उनको कहा जाता है एस्ट्रोनॉट, उनको क्या कहा जाता है? फ्लाई तहकीक करने वाले। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिफरेंट स्पेस क्राफ्ट के जरिए खला में जाते हैं, और खला के अंदर जो तजर्बागाहें हैं जिनको स्पेस स्टेशन कहा जाता है वहां पे रह के बात करते हैं, उनको कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट्स है ना, ठीक है, दूसरे खलाबाज है, कुछ साइंसदान ऐसे हैं जो वहां जाके तहकीक करते हैं, वहां पे फिजिकल लॉज की, बायोलॉजिकल लॉज की, इस कायनात की क्रिएशन की, फासलों की, और इन स्टार्स पे क्या क्या है, प्लैनेट्स पे क्या क्या है, उनकी जो तहकीक करते हैं उनको कहा जाता है स्पेस रिसर्चर्स या एस्ट्रोनॉट, क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। और इसको खलाई तहकीक को एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है, खलाई तहकीक का दूसरा नाम क्या है? एस्ट्रोनॉमी, ये आपने याद रखना। फिर हमने पढ़ा कि इस कायनात के अंदर जो बेसिक यूनिट है वो स्टार है, जो बेसिक यूनिट क्या है? स्टार है। स्टार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो शाइनिंग है, जिसकी अपनी चमक है, वो अपने अंदर ईंधन को जलाता है, मोस्टली उसके अंदर हाइड्रोजन जलती है, और हाइड्रोजन जो है उसके एक न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट और हीट पैदा होती है, इसी वजह से हमें सूरज से रोशनी मुयस्सर होती है, और उसको हम कहते हैं एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। यही काम बाकी स्टार में भी हो रहा है। फिर हमने इसके बाद ये पढ़ा था कि ये जो स्टार है ये कायनात में बहुत बड़े बड़े भी हैं, हमारे सूर्य से बड़े बड़े भी हैं। फिर हमने इसके बाद इनमें पढ़ा कि इन स्टार्स के डिफरेंट कलर, इन स्टार के डिफरेंट कलर हैं, ये रेड कलर के भी हैं, ऑरेंज कलर के भी हैं, येलो कलर के भी हैं, व्हाइट कलर के भी हैं, ठीक है बेटा। तो ये स्टार्स के कलर क्यों है? क्योंकि जितना किसी स्टार का दर्जा हरारत ज्यादा होगा, जितना किसी स्टार का सतह का दर्जा हरारत ज्यादा होगा उसका कलर उतना ही ब्लू होगा। सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर वाले स्टार हैं उनका कलर क्या है? ब्लू है।
ठीक है, उससे कम टेम्परेचर वाले जो स्टार है, और एक ब्लू स्टार का टेम्परेचर 28,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, कितना हो सकता है 28,000, और जो कम से कम 2,000 वाला स्टार है वो रेड कलर के हो सकते हैं, उनकी 2,800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। हमारा सूरज जो है ये एक येलो स्टार है, क्या है, येलो स्टार है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5,500 से लेकर 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी सतह का टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर की वजह से इनके कलर चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा बास स्टार्स हमें छोटे नजर आते हैं, बास स्टार हमें बड़े नजर आते हैं। जो स्टार्स नजदीक है वो बड़े नजर आएंगे और जो दूर है वो छोटे नजर आएंगे, और बात साथ इससे उल्ट भी होता है, क्योंकि जो वाकई बहुत बड़े हैं तो उनको बड़ा नजर आना ही। तीसरी बात कि ये स्टार्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, स्टार्स एक दूसरे से, ये कायनात बहुत बड़ी है, इसको हम किलोमीटरों में मीटरों में नहीं माप सकते, तो हमने इसको मापा है लाइट ईयर्स में। इसको हम किसमें मापते हैं, कायनात के जो फासले हैं उनको हम किलोमीटरों में माइल्स में नहीं मापते बल्कि लाइट ईयर में मापते हैं। और लाइट ईयर कितना फासला है, ये वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है, जो रोशनी एक साल में तय करती है, जबकि रोशनी की स्पीड बेटा कितनी है, 3,00,000 किलोमीटर, कितनी, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर ये 3,00,000 किलोमीटर का फासला तय करती है, जबकि कायनात जो है वो अरबों दूरी साल, बास सितारे इतने हैं कि वो अरबों दूरी साल दूर है, उनको अरबों साल लग जाते हैं। जब आसमान की तरफ आप देखते हैं ना, ये जो आपको चमक नजर आती है, बाद उत्पाद की जो चमक आप ऊपर सर उठा के देखते हैं आपको नजर आ रही है, उनमें से बाद चमक ऐसी है जो आज से अरबों साल पहले पैदा हुई थी, और वो कायनात में सफर करते 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 जब आपने देखा उस वक्त वो आसमान में जाहिर हुई, तो आपने जब देखा तो वो वाकया आज से अरबों साल पहले हो चुका था, अरबों साल पहला वो चमक पैदा हो चुकी थी, और वो सफर करते हुए कायनात में आ रही थी, जब आपने ऐसे सर उठाया तो उस वक्त आपने अरबों साल पहले के वाक्य को देखा, मुस्तकबिल में देखा। ठीक है बच्चों, तो ये है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पे, और वो आज हमारा टॉपिक है वो है गैलेक्सी। क्या है, गैलेक्सी। और जैसे कि मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ कि सितारों के झुरमट को, इस कायनात के अंदर स्टार्स ऐसे ही बिखरे हुए नहीं है बल्कि वो क्लस्टर्स गुच्छों की शक्ल में इस कायनात में घूम रहे हैं, क्लस्टर गुच्छों की शक्ल में इस कायनात में घूम रहे हैं, और स्टार्स के इन क्लस्टर्स को कहते हैं गैलेक्सीज या कहकशाएं, गैलेक्सीज या कहकशाएं। अब ये जो कहकशाएं हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, और ये देखा गया है कि इस कायनात के अंदर इंसान ने अभी तक 1 बिलियन गैलेक्सीज को आइडेंटिफाई किया, 1 अरब गैलेक्सीज को मुख्तलिफ आलात की वजह से हम पहचान चुके हैं। क्या किया है, ये वो गैलेक्सीज हैं जिनको हम देख के उनकी शक्ल और उनके अंदर अंदाजा लगा चुके हैं कि कितने स्टार हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये तकरीबन 1 अरब कहकशाओं का हम मुआयना कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उनको पहचान चुके हैं, कितनी, 1 अरब गैलेक्सीज। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। और कोई भी जो गैलेक्सी होती है उसके अंदर अमूमन ये चीजें होती है, ये नेबुला हो सकता है, स्टार हो सकते हैं, प्लैनेट्स हो सकते हैं, डस्ट और क्लाउड हो सकते हैं, किसी भी गैलेक्सीज के अंदर ये चीजें हो सकती हैं। नेबुला क्या होता है बेटा, नेबुला बेसिकली गैस का एक बहुत बड़ा एक व्यूहिकल टावर होता है, उसमें गैसें मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल होते हैं, और ये स्टार्स पैदा करने की जगह है, क्या है, जहां पे सितारे पैदा होते हैं, नए सितारे पैदा होते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, इसके अंदर भी नेबुला है, इसके अंदर नए सितारे पैदा हो रहे हैं, क्या हो रहा है, नए सितारे भी पैदा हो रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, आज भी नए सितारे पैदा हो रहे हैं अभी भी। तो वो जगह जो बहुत बड़े बड़े टावर की शक्ल में होती है उनके अंदर स्टार्स पैदा होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, पैदा होते हैं, वो जगह जहां पे स्टार्स पैदा होते हैं उनको कहा जाता है नेबुला, और इसकी जगह होगी नेबुली, क्या होगी, नेबुली। जैसे हम ब्रोंकस और ब्रोंकाई पढ़ते हैं ना, ब्रोंकाई, इसी तरह नेबुलाए, क्या पढ़ेंगे, नेबुली या नेबुला, आप नेबुला याद रखें। नेबुला से क्या पैदा होते हैं, स्टार, क्या पैदा होते हैं, सितारे पैदा होते हैं, और सितारों के अंदर क्या हो सकते हैं, प्लैनेट, सितारे खुद चमकदार होते हैं, शाइनिंग होते हैं, जबकि प्लैनेट शाइनिंग की अपनी रोशनी नहीं होती। आगे चले, इसके अलावा इस कायनात के अंदर गैलेक्सीज के अंदर गर्दो गुबार धुआं ये भी हो सकता है, गर्दो गुबार और धुआं भी हो सकता है, ये गैलेक्सीज के इंग्रेडिएंट है। जब आपसे पूछा जाए कि किसी गैलेक्सी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो वे ये हो सकती है, नेबुला, स्टार, प्लैनेट्स, डस्ट एंड गैसेस, क्लाउड, गैसों के क्लाउड, ठीक है। तो ये अमूमन चीजें होगी। आइए हम देखते हैं कि इस कायनात के अंदर कितनी तरह की गैलेक्सीज है। अगर हम गैलेक्सीज को अभी ग्रुप में तकसीम करना चाहें तो हम गैलेक्सीज को उनकी शक्ल की वजह से, उनकी शेप की वजह से तीन ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं।
नंबर वन स्पाइरल गैलेक्सी, नंबर वन स्पाइरल, स्पाइरल बेटा किसे कहते हैं, बात करें कि ये बात करें कि दरमियान में एक नेबुला है, दरमियान में क्या है, नेबुला है और इससे यूं गैलेक्सी, ये स्पाइरल, समझ आ रही है, इससे ऐसे जो है ये गोल गोल घूमने वाली स्पाइरल का मतलब है कि उसमें मुख्तलिफ तरह की गुच्छे जो है वो इससे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्पाइरल जैसे स्प्रिंग होता है ना, अगर उसको इकट्ठा कर दिया जाए, ये तारों की क्वाइल होती है, उस तरह घूमने वाली जो गैलेक्सी है स्पाइरल है उन और वो घूम रही है और उनकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं, तो ऐसी गैलेक्सी को कहा जाता है स्पाइरल गैलेक्सी, क्या कहा जाता है, स्पाइरल गैलेक्सी, इनमें झुरमट है सितारों के रस्ते हैं, ठीक है, क्लस्टर्स हैं, और हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, जिसका हिस्सा हमारा सूरज भी है, इसको कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो स्पाइरल गैलेक्सी है, क्या है, आप याद रखना, गैलेक्सीज की शक्ल के लिहाज से तीन किस्में हैं, जिसमें हमने पहली किस्म पढ़ी है स्पाइरल गैलेक्सी, क्या पढ़ी है, स्पाइरल यानी घूमती हुई स्पाइरल स्प्रिंग से आपके उसके उसके छल्ले से निकले होते हैं, जैसे आप वो बनाते हैं चक्की हवा से चलने वाली, तो उसके मुख्तलिफ ऐसे स्टार्स की तरह दिखते हैं ना शोले से, तो उसके झुरमट के अंदर कई ऐसे धागे से जैसे उलझे हुए, तो ऐसी को कहा जाता है स्पाइरल गैलेक्सी, ऐसी को क्या कहते हैं, स्पाइरल गैलेक्सी, और स्पाइरल गैलेक्सी की जो मिसाल है बेटा वो मिल्की वे गैलेक्सी है, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जैसे मैंने पहले बताया कि 100 अरब से 200 अरब तक स्टार्स हैं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं, हमारे सूरज जैसे 100 अरब से लेकर 200 अरब तक और सूरज है इसके अंदर, ये इतनी बड़ी गैलेक्सी है, ठीक है, और हम इस गैलेक्सी के कॉर्नर पे हैं, एक साइड पे है, समझ आती है, जैसे कि फर्ज करें कि ये एक स्पाइरल है, तो हम इस स्पाइरल के यहां पे हैं, बात समझ आ रही है, ये स्पाइरल है ना, तो हमारी अर्थ जो है वो यहां पे है, यहां पे, और यहां से लेकर इस गैलेक्सी के सेंटर तक का जो फासला है ये साइंसदानों ने मापा है, ये तकरीबन 30,000 लाइट ईयर है, यानी हमारा सूरज जब ये चमकता है तो गैलेक्सी के मरकज तक उसकी रोशनी पता है कितने से बाद पहुंचती है, 30,000 लाइट ईयर बाद, यानी कि अगर आज हमारी ये सूरज चमक रहा है तो इसकी रोशनी अपनी ही गैलेक्सी के सेंटर तक आने के लिए 30,000 साल लगेंगे, 30,000 ईयर लगेंगे, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी अभी ये जो सूरज चमक रहा है इसकी चमक को अपनी ही गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंचने के लिए 30,000 साल लगेंगे, तो आप खुद सोचिए ये कायनात कितनी बड़ी है, ये मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है, सूरज से रोशनी हम तक 8 मिनट में आ जाती है, कितने मिनट में आती है, और ये करोड़ों मील का फासला है हमारे और सूरज के दरमियान 8 मिनट लगते हैं, जबकि सूरज से यही रोशनी हम यहाँ पे है इसको गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंचने में 30,000 लाइट ईयर लगेंगे, 30,000 साल लगेंगे, तो ये बहुत बड़ी कायनात, इसी तरह की गैलेक्सी, इस तरह की गैलेक्सी हम इस कायनात के अंदर हजारों गैलेक्सी डिस्कवर कर चुके हैं, अरबों खरबों गैलेक्सी हम डिस्कवर करते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये कायनात कितनी बड़ी है। जी नेक्स्ट स्पाइरल गैलेक्सी से बात आते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सी, कौन सी गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी बेटा इस तरह की बात करें कि इलिप्टिकल ये यूं होगी और ये दायरे का हिस्सा है, बात समझ आ रही है, दरमियान से मोटी, दरमियान से क्या होगा मोटी, या किनारों से पतली हो सकती है, ये मैंने इसका इसको काटा एक तरह से, अगर ये पूरी गोल है यूं, अगर मैं दरमियान से काटूं तो ये डिस्क की तरह होगी, डिस्क होती है ना फेंकने वाली डिस्क, लकड़ी की डिस्क होती है ना ऐसे फेंकते हैं, तो वो जिस तरह डिस्क होती है या आपकी फ्रेस्बी होती है, देखिए ना फ्रेस्बी दरमियान से मोटी होगी, डिस्क की तरह प्लेट की तरह, ऐसी को कहा जाता है इलिप्टिकल, और इनकी जो है ना ये एक साइड से, एक साइड से लंबी और दरमियान से इनकी शेप्स डिफरेंट लेकिन गोल ही होगी, इलिप्टिकल, ये ऐसी गैलेक्सी है जो पुरानी है, निस्बतन पुरानी है, इनके अंदर नेबुलाज नहीं होते, इनके अंदर नेबुलाज नहीं होते और इनके अंदर न्यू स्टार्स भी नहीं बनते, न्यू स्टार्स भी नहीं बनते, और इनके अंदर जितने भी स्टार्स होते हैं वो उन पुराने स्टार्स होते हैं, ठीक है बेटा, याद रखना इलिप्टिकल गैलेक्सी जो है ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, इनमें इनमें मिल्की वे से भी ज्यादा स्टार्स होते हैं, इनमें मिल्की वे से भी ज्यादा स्टार्स होते हैं, इनमें ट्रिलियन, उनमें तो अरबों थे ना, 200 से 300 अरब स्टार्स है, तो इनमें खरबों स्टार्स है, इनमें और ज्यादा स्टार होते हैं, क्योंकि जो स्पाइरल गैलेक्सी है उनमें तो नए स्टार भी बनने हैं, तो इनमें बन चुके होते हैं, इनमें उमूमन ओल्ड स्टार होते हैं और वो बन चुके होते हैं, तो इसीलिए ये जो इलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं इनके अंदर स्टार की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तीसरे इररेगुलर गैलेक्सी, ये दोनों की तो शक्ल है क्योंकि ये चीजें घूम रही होती हैं, तो ये जो है स्पेरिकल शेप ले लेती है,
लेकिन बात ये भी है इस कायनात के अंदर साइंसदानों ने ऐसी गैलेक्सीज भी देखी है जिनकी कोई शेप नहीं, जिनकी कोई शेप नहीं, जैसे बादल की कोई शेप नहीं ना होती, बादल जा रहा है ना तो उसकी शेप तब्दील भी होती रहती है, एक तो ये है कि उसकी तब्दील भी होती रहती है और बादलों की कोई फिक्स शेप भी नहीं होती। इसी तरह बास कायनात के अंदर ऐसी गैलेक्सीज हैं जिनकी कोई कोई मखसूस शेप नहीं है, ऐसी गैलेक्सीज को कहा जाता है इररेगुलर गैलेक्सीज, क्लाउड ऑफ मैजेलन, ये एक गैलेक्सी का नाम है। इसकी एग्जांपल क्या है? क्लाउड ऑफ मैजेलन। ये मैजेलन एक साइंटिस्ट था, उसने इसको पहली बार देखा था। ये इस कायनात के अंदर जो हमारी करीब करीब इररेगुलर गैलेक्सी है उसका नाम है क्लाउड ऑफ मैजेलन। उसका नाम क्या रखा गया है? क्लाउड ऑफ मैजेलन। ये आपने याद रखना है। हमने तीन तरह की गैलेक्सीज पढ़ी है। गैलेक्सीज क्या है? सितारों का बहुत बड़ा जिसमें अरबों खरबों सितारों के गुच्छों को गैलेक्सीज कहा जाता है। गैलेक्सी की तारीख क्या होगी? कि इस कायनात के अंदर सितारों का एक ऐसा झुंड जिसमें अरबों खरबों स्टार एक खास पैटर्न के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़कर हरकत कर रहे हैं, उन क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स को कहते हैं गैलेक्सीज या कहकशाएं। गैलेक्सीज या कहकशाएं। किसी एक कहकशां के अंदर अरबों खरबों स्टार्स हो सकते हैं। किसी भी गैलेक्सीज के अंदर नए सितारे भी बन सकते हैं। वो जगह जहां नए सितारे बनते हैं उस जगह को कहा जाता है नेबुला। वो गैस के बहुत बुलंद बुलंद दियोहेकल टावर है और उनमें स्टार ऐसे पैदा होते हैं जैसे चींटियां, जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बहुत बड़ी चींटियां निकल रही होती है ना, तो आप सोचते हैं कि नेबुला कितना बड़ा हो। ठीक है बेटा, फिर हमने ये पढ़ा कि इन गैलेक्सीज के अंदर सब कुछ शामिल है, यानी स्टार्स भी है, नेबुला भी है, प्लैनेट्स भी है, सैटेलाइट भी है, यानी कि एटमॉस्फेयर से ऊपर जो कुछ भी है वो सारे इस कायनात में और गैलेक्सीज में शामिल है। फिर हमने पढ़ा कि शेप के लिहाज से हम गैलेक्सीज को तीन ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं। तीन टाइप की इस कायनात के अंदर हमने गैलेक्सीज आइडेंटिफाई की। हमने तकरीबन 1 बिलियन गैलेक्सीज को आइडेंटिफाई किया। 1 अरब कहकशाओं को पहचाना है, तो उनकी पहचान के बाद हमने उनको तीन ग्रुपों में तकसीम किया। कितने ग्रुपों में तकसीम किया है और किस लिहाज से तकसीम किया? उनकी शक्ल के लिहाज से। किस लिहाज से तकसीम किया है? उनकी शक्ल के लिहाज से। पहली है स्पाइरल गैलेक्सीज। पहली है स्पाइरल गैलेक्सीज। वो ऐसी हैं जैसे बहुत सारे ऐसे जो हैं ये स्पाइरल कर रहे हैं, एक इर्द गिर्द सितारों के झुरमुट जो हैं वो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ये स्पाइरल बन गया ना, कि सितारों के बहुत बड़े बड़े झुरमुट एक दायरे में घूम रहे हैं, तो ऐसी गैलेक्सीज को कहा जाता है स्पाइरल गैलेक्सीज। स्पाइरल गैलेक्सीज की एक मिसाल जो है वो हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी जिस कहकशां का हिस्सा हमारा सूरज और हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है, उस गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मिल्की वे गैलेक्सी। ये जो आसमान पे जितने भी आपको ज्यादातर स्टार्स नजर आते हैं ये ज्यादातर मिल्की वे गैलेक्सी है। किसके हैं? मिल्की वे, हमारी अपनी गैलेक्सी की है। और बाकी जो हमें छोटे छोटे डॉट नजर आते हैं ये स्टार्स नहीं, हो सकता है दूर कहीं कायनात में कोई पूरी गैलेक्सी हमें एक स्टार की तरह नजर आ रही है, पूरी की पूरी गैलेक्सी हमें एक सितारे की तरह नजर आ रही है, लेकिन जो ज्यादातर हमें स्टार्स नजर आते हैं वो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है। अब आगे देखेंगे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमने 100 अरब से लेकर 200 अरब तक स्टार इसके अंदर मौजूद है जो सूरज से बड़े नहीं हो सकते। तीसरा, सूरज ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये गैलेक्सी के एक कॉर्नर पे मौजूद है और इसको इसका और गैलेक्सी के सेंटर का जो फासला है वो तकरीबन 30,000 लाइट ईयर जितना दूर है। कितनी बड़ी ये गैलेक्सी है। इसके अंदर ये जो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये भी कायनात के अंदर हरकत करेंगे, ये भी कायनात के अंदर पूरे का पूरा सर, और इसकी जो स्पीड है वो है 22 लाख किलोमीटर की और हर घंटा ये 22 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। आगे देखें, इसके करीब करीब एक और स्पाइरल गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसकी हमारी हमसाई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा। ये आपने याद रखना है। हमारी कहकशां की हमसाया कहकशां का नाम क्या है? एंड्रोमेडा। आप क्योंकि कहकशाएं एक दूसरे की हमसाए तो होंगे ना, ये यानी हमारी कहकशां के बाद दूसरी कहकशां कौन सी है मिल्की वे गैलेक्सी की? मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर, उसका नाम है एंड्रोमेडा। और एंड्रोमेडा भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है, ये आपने याद रखनी है। टर्मिनोलॉजी ये कल मैं आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह, इनको जरूर याद कीजिए। एंड्रोमेडा क्या लगता है? एंड्रोमेडा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का जो डियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। और ये भी जो है ये भी स्पाइरल गैलेक्सी है और ये हमसे 22 ये हमसे तकरीबन 22,50,000 लाइट ईयर दूर है। 22,50,000 लाइट ईयर दूर है, यानी एंड्रोमेडा में अगर कोई लाइट चमकेगी तो वो हम तक 22,50,000 साल के बाद पहुंचेगी। कब पहुंचेगी? 22,50,000 साल। यानी अभी अगर मैं किसी टॉर्च से एंड्रोमेडा में लाइट भेजूं, रोशनी की एक श्वा मारूं, तो श्वा को एंड्रोमेडा तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे? 22,50,000 साल।
22 लाख साल रोशनी को लगेंगे। यानी फर्ज करें कि अगर मैं कहूं हेलो एंड्रोमेडा और ये जो मेरी आवाज है ये रोशनी की स्पीड से चले तो ये आवाज मतलब कब पहुंचेगी? 22.5 लाख साल के बाद। अगर मेरी आवाज टेलीफोन के जरिए स्पीड ऑफ लाइट के जरिए जाए और एंड्रोमेडा पे मैं किसी को कहूं हेलो हाय तो ये मेरा हाय जो है ये 22 लाख साल बाद वहां पहुंचेगा। उस वक्त तक मेरी हड्डियां भी नहीं ऐसी है ना, कायनात ही बदल चुकी है, इतनी दूर है हम एक दूसरे से एंड्रोमेडा। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह के फरिश्ते देखें कि वो नो टाइम वहां से यहां तक सफर तय करते, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का जिक्र है ना, सबको पता है ना कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की। तो जब हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को कुएं में फेंका था ना हजरत कुएं में, तो जब कुएं में फेंका तो जब फेंकने लगे तो जब उन्होंने फेंका तो उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहि सलाम अल्लाह की बारगाह में थे। आलम कहां पे थे? आलम जबरूत में थे। अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहि सलाम को हुक्म दिया कि जिब्राइल जाओ और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को जमीन पर लगने से पहले पहले संभाल लो। तो आप खुद सोचें एक सेकंड के कुछ ही हिस्से में कुएं से बंदा निकलता है, गिरता है ना, जबकि जबरूत तो इस कायनात से भी बाहर का मुकाबला है, ये कायनात तो उसके सामने बहुत छोटी सी है। और हजरत जिब्रील अलैहि सलाम विद इन नो टाइम विद इन मिलियंथ ऑफ अ सेकंड आलम जबरूत से आलम नासूत में हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के नीचे आ जाते हैं और आराम से उनको जमीन से उठाते हैं। यानी कुएं के ऊपर से गिरते हैं, जमीन से पहुंचने से पहले पहले वो आलम जबरूत से जमीन पर पहुंचते हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक पे बैठ के गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस बुराक की सफर ये बताई गई थी, उसकी स्पीड ये बताई गई थी कि जहां तक हद्दे निगाह है उसका एक कदम वहां पे, तो ये बहुत बड़ी स्पीड है। इसके अलावा फिर आप सोचेंगे सर इतनी बड़ी कायनात जो है तो इसके अंदर तो सफर करना ही मुश्किल है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी कायनात है तो अगर लाखों साल लगते हैं तो एक बंदा अपनी जिंदगी में कायनात के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा ही नहीं सकता। यानी एंड्रोमेडा तक अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से भी सफर करें तो हमें 22.5 लाख साल लगेंगे, और 22.5 लाख साल तो हमें हुए नहीं है इस दुनिया में हुए इंसानों को, बात समझ आ रही है? तो ये तो अगर इंसानियों को पता क्या हो फिर हम रास्ता कैसे तलाश करते हैं, तो उसके लिए इंशाल्लाह आगे मैं बताऊंगा कि इस कायनात के अंदर ब्लैक होल्स हैं, इस कायनात के अंदर वर्म होल्स हैं, ऐसे रास्ते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इस कायनात का सफर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में जिक्र करेंगे। लेकिन बच्चों ये है कि अगली जो दिलचस्प बातें हैं उनको समझने के लिए आपको जरूरी है कि आप ये बेसिक टेक्नोलॉजी जरूर याद करें, ये बेसिक टेक्नोलॉजी जरूर याद करें, क्योंकि ये जो कायनात है और इसके जो अजरामे फलकी है बेटा ये अल्लाह की निशानियां हैं, ये अल्लाह की क्या है? अल्लाह की मखलूक है। इससे हमें अल्लाह अकबर का पता चलता है, जब हम इतनी बड़ी कायनात को देखते हैं तो हमारे जहन में यकीन ये ख्याल आता है कि हमारा अल्लाह कितना बड़ा होगा, तो अल्लाह अकबर पे हमारा जो यकीन है वो मजीद पुख्ता होता है, उसका हम तसव्वुर करते हैं कि हमारा अल्लाह हमारे अल्लाह के सामने तो ये कायनात एक जरे के बराबर भी नहीं है। तो हमारा अल्लाह जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह हमारा कितना अजीम है, कितना बड़ा क्रिएटर है, कितना बड़ा रब है कि कायनात उन चीजों को हम जानते ही नहीं है, हम अरबों साल दूर है नूरी साल और अल्लाह एक जरे भी करता हूँ। मजाल है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन भी अपने दायरे अपनी हद से बाहर निकल सके, जरूरत नहीं है कि सूरज चांद जमीन अपने दायरे से बाहर निकल सके, और ये खरबों अरबों रेत के जरों से भी ज्यादा स्टार जो है ये हर वक्त उसकी दावेदारी करें उसके हुक्म के मुताबिक काम करें। तो ये बेटा उसकी अजमत उसकी निशानियां हैं, इनको जरूर याद करें, इससे अल्लाह पाक की तखलीक और अल्लाह पाक की जो कुदरत है उसके बारे में आपका नजरिया टोटली बदल जाएगा, आपका यकीन और बढ़ जाएगा, क्योंकि दिल जो है वो मुशाहिदा मांगता है। दिल क्या करता है? दिल बगैर मुशाहिदे के बिलीव नहीं करता, अपने यकीन को मजबूत करने के लिए अपने ईमान को मजबूत करने के लिए अल्लाह भी हमें दावत देता है कि मैं छुपा हुआ खजाना था मेरा इरादा बना। ये हदीस कुछ चीजें मैं अक्सर आपसे बात कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक को फरमाता है कि मैं छुपा हुआ खजाना था कुन तो कंजल मखलियन, सुनिए ना, तो मैं सुबह वो जाना था मेरा इरादा बनाकर पहचाना जाऊं बस इसलिए मैंने मखलूक को पैदा किया। तो अल्लाह की पहचान किससे होनी है? मखलूक के अंदर उसकी कुदरत से, मखलूक के अंदर उसकी कुदरत से। जब हम देखते हैं कि ये मखलूक है, ये कायनात है, ये इंसान है, ये चरिंद है, परिंद है, जानवर है, ये कैसे सारा निजाम काम कर रहा है, एटम से लेकर बड़ी से बड़ी कायनात तक एक एक जर्रा अल्लाह की अल्लाह के दिए हुए हुक्म के मुताबिक काम कर रहा है, अपने दायरे से बाहर नहीं जा रहा। आग को जलाने का हुक्म है वो जलाई जा रही है, पानी को बुझाने का हुक्म है वो बुझाया जा रहा है, ऐसे ही ना बेटा? और यही पैटर्न चला आ रहा है, ये किसका कंट्रोल है, किसकी रेट है, ये किसकी कुदरत है जिसके मुताबिक है वो हमारा अल्लाह। तो
तो बेटा इन चीजों को जरूर याद कीजिएगा, टर्मिनोलॉजी को आई एम क्वाइट श्योर कि आप इन चीजों को जरूर याद करेंगे, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का क्या है और स्पेस इसकी डेफिनेशन आप याद। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।